हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, न्यू व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स। सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग इन टच फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। आई नो यू वांटेड अ वीडियो बट आई वाज नॉट वेल यार, मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ एंड वीडियो नहीं बना पाया। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी यू आस्क्ड द मोस्ट। तो अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। So after passing out from the alma mater, I landed in IMA, Indian Military Academy. Now IMA, जैसा कि आप जानते हैं कि देहरादून में है, पर इसका एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के दूसरे किनारे जॉली ग्रांट में है। उस टाइम पे ना तो वहाँ ओला चलती थी ना ऊपर चलती थी, और टैक्सी वाले तुम्हें देखकर ही तुम्हें लूट लेते थे। Now to be very frank, ठीक है, हम किसी ना किसी तरीके से IMA पहुंचे, चीजें हुई बहुत सारी, बट टू बी वेरी फ्रेंक फॉर मी IMA was much more exciting than NDA. NDA में you are treated as a lowest life form, मतलब तुमसे नीचे food chain में कुछ नहीं है। But here you evolve, यहाँ आपको एक gentleman cadet की तरह रखा जाता है। ये मत सोचना कि punishments वगैरह नहीं मिलती, punishments वगैरह सब मिलती हैं, but as compared to NDA, it's very comfortable. NDA में तुम्हें liberty जाने के लिए जो criteria चाहिए होता है, it's the same in IMA. बट थिंग इज XNDS ने पहले ही 3 साल ड्रिल कर ली होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू पास दिस GST टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो लिबर्टी जाना शुरू कर देते हैं। नाउ IMA की बहुत सारी बातें, मतलब बहुत अच्छी बातें हैं, और उनमें से एक बात जो सबसे मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। कोई TGC है, कोई UES है, कोई डायरेक्ट एंट्री है, कोई ACC है, तो कोई XNDA है, तो इट्स अ हॉच पॉच ऑफ एवरीथिंग, खिचड़ी बन रखी होती है। अब यूजुअली क्योंकि बाकी सब कॉलेज वगैरह से आते हैं तो सबकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जो डायरेक्ट एंट्री हो गए, UES हो गए, और होनी भी चाहिए, कुछ तो फायदा हो भाई कॉलेज जाने का। सिमिलरली ACG गाइज ऑल्सो हैव देयर गर्लफ्रेंड और फियांसेस, और बच जाते हैं XNDS, उनमें से भी कुछ की बन गई होती हैं, पर ज्यादातर लोग स्पेशली सैनिक स्कूल वाले सिंगल ही होते हैं। तो वी पास द DST एंड स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड इन देहरादून। देहरादून काफी छोटा शहर है व्हेन वी कंपेयर इट टू पुणे। बड़े बड़े क्लब्स या मॉल्स इतने नहीं हैं जितने पुणे में हम देखकर आ चुके थे, दे वर मिसिंग हेयर, बट दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे एंड सो आर द गर्ल्स हेयर। तो इन सेकेंड टर्म हमारा कोई खास फोकस नहीं था बॉल पार्टनर पे, हमारा सीधा फंडा था बाहर जाओ, मूवी देखो, खाना खाओ, कैवेंटर्स पियो और वापस आ जाओ। एंड वी फॉलोड इट रिलीजियसली फॉर 6 मंथ्स, कुछ नहीं किया हमने। फिर आ गई 3rd टर्म एंड स्टार्ट हुई हेडेक कि बॉल पार्टनर भाई कहाँ से लाएं। सबसे पहले हमने अपने उन कोर्समेट्स के आगे भीख मांगी जिनकी गर्लफ्रेंड देहरादून की थी कि भाई जुगाड़ करवा दे यार। कुछ का तो हो गया पर कुछ यहाँ भी रह गए, स्पेशली सैनिक स्कूल वाले। भैजन कब खून खौलेगा रे तेरा? भाई अब मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं थी यहाँ पे, तो हमने तो किया भाई अपना ट्रैकर शुरू। आई स्टार्टेड आस्किंग लेडीज टू गो आउट और स्टार्टेड इनवाइटिंग देम फॉर बॉल सिंस द स्टार्टिंग ऑफ टर्म। बट अब दिक्कत यहाँ की एक नहीं बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि लड़कियाँ यहाँ पर सब बुक मिलती हैं। बुक का मतलब है कोई किसी ना किसी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या फिर कोई किसी और के साथ जा रही है। तो स्ट्रगल वॉज रियल, तो हम दर दर भटकते रहे, कुछ को सफलता मिली और कुछ को निराशा। तो मेहनत रंग लाई और हम में से ऑलमोस्ट सबकी बॉल पार्टनर बॉल से 10 से 15 दिन पहले अरेंज हो गई थी। अब भाई POP प्रैक्टिस, जो कि पासिंग आउट परेड की प्रैक्टिस है, उसको कर करके हम टैन हो गए थे, पैरों में छाले हो गए थे, पर रात को जब भी हम सोते थे तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती थी कि भाई बॉल में तो मजे करेंगे। तो बॉल में बचे थे सिर्फ 3 दिन एंड माई बॉल पार्टनर कॉल्ड मी एंड सेड कि यार मैं हो गई हूँ बीमार एंड आई माइट नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू। अब भाई दिमाग खराब हो गया कि नई बॉल पार्टनर कहाँ से आएगी, इतनी जल्दी तो अमेजोन भी डिलीवरी नहीं कर पाएगा यार। सोचा और कुछ समझ नहीं आया तो बस मैं सो गया। अब कितना ही टाइम वेस्ट करोगे यार सोचने में। जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने उसको कॉल किया और बोला कि भाई अपनी दोस्तों से एक बार पूछ ले और बता कि अगर कोई जुगाड़ हो पा रहा है तो। अब करते करते रह गए सिर्फ 1 दिन कि मतलब कल बॉल है और आज का दिन बचा है। मुझे उसका मैसेज आया, उसने बोला कि भाई मैंने सबसे पूछ लिया और हर कोई लड़की जो है एंगेज्ड है
और मेरी एक दोस्त है सुमो, पर वो मना कर रही है. सुमो उसका एक्चुअली में सही नाम नहीं है, मतलब मैंने उसका नाम रखा है बाद में, वी आफ्टर वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. तो सुमो जो थी वो मना कर रही है. अब मैंने बोला कि भाई तू सुमो का नंबर दे, मैं खुद ही बात कर लूंगा. मैंने किया सुमो को व्हाट्सएप पे मैसेज, बट शी वॉज वन ऑफ दोज टिपिकल गर्ल्स जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर पांडा या कुत्ते की डीपी लगाई होती है. ठीक है, पहले तो मैं ये सोच के डर रहा था कि यार इसको तो देखा भी नहीं है, क्या पता कैसी दिखती हो, और ऊपर से वो रिप्लाई भी नहीं कर रही थी, मतलब एक रात पहले हो रहा है सब कुछ. तो फाइनली जब उसने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं किया तो मैंने उसको किया कॉल एंड आई सेड हाय सुमो, आई नो इट्स नॉट द राइट टाइम, बट क्या कल आप आ सकते हो बॉल पे. अब यार तुम दिल रखने के लिए लौंडे को यही बोल दो कि यार आई एम बिजी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं करती हूँ कुछ. पर उसने बोला नो, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता. अब मैंने सोचा कि यार अब तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसी को मनाना पड़ेगा. तो मैंने उसको कॉल काटने नहीं दिया. मैंने पूछा कि यार व्हाई डोंट यू वांट टू कम, तो शी सेड कि आई एम ए बॉल इज सो बोरिंग. अब भाई ये सुन के मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे बोल सकती है ये. तो मैंने बोला कि बोर कैसे है, तो शी सेड कि कोई नाश्ता ही नहीं है, किसी को नाचना ही नहीं आता है, एंड ऑल यू डू इज सालसा, वो भी करते हो तुम स्लो स्लो. अब द थिंग यू शुड नेवर चैलेंज आई एक्सेंडियर टू डांस, क्योंकि जिंदगी हमने और कुछ किया ही नहीं है, हम बस नाचे हैं, हम जनरेटर की आवाज के ऊपर भी नाच सकते हैं. तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई, वैसे भी देहरादून की लड़कियों में बात नहीं कि मेरे साथ बीट मैच कर पाए. अब तक वो नॉन सीरियस होकर मेरे पे कॉल पे बात कर रही थी, तो दिस मेड हर सीरियस एंड शी इज लाइक तुम भागने पे फोकस करो, डांस वांस तुम्हारे बस का नहीं है. तो मैंने बोला हाँ हाँ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. तो आगे से वो बोलती है कितने बजे आना है कल. अब इन दिस माइक्रो सेकेंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार बात बन गई. आई सेड 7 बजे शाम को आना है और मैंने फोन रख दिया. खुशी ही इतनी थी कि मेरे दिमाग में ये निकल ही गया कि मैं इसको पहचानूंगा कैसे. तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई कॉल्ड हर अगेन एंड आई वॉज लाइक भाई मैं तुझे पहचानूंगा कैसे. मैंने अब एक्साइटमेंट बोला कि भाई अपनी कोई डीपी वगैरह अपनी फोटो वगैरह तो भेज दे. एंड उसने आगे से बोला कि मैंने तेरी डीपी देख ली है, मैं तुझे पहचान लूंगी. अब यार दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लग पड़ी कि इसने फोटो भी नहीं भेजी, क्या पता है दिखने में अच्छी ना हो. तो डोंट जज मी, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था. पर वो बोलते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स. अब ऑप्शन तो थी नहीं हमारे पास कोई, तो सोचा जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो स्टैग वाले लड़कों के साथ नाच लेंगे यार. मैंने दोपहर को 2 बजे उसको मैसेज किया कि तू गेट पे जब भी आए तो कॉल कर दियो और हील्स पहन के मत आना, टूट जाएंगी. अब आगे से कितना ही सेवेज रिप्लाई आ सकता है, क्या ही करेगी भाई एक लड़की रिप्लाई. तो पर उसने आगे से मैसेज किया तू मेरी हील्स की फिक्र मत कर, देखना कहीं तेरी पैंट ना फट जाए नाचने नाचने. अब मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ भी हो जाए नाचूंगा तो इसी के साथ ही. फाइनली 7 बज गए. अब हम सब पहुंचे गेट के ऊपर अपने अपनी पार्टनर्स को रिसीव करने. अब मेरे कोर्समेट पूछ रहे हैं कि भाई कि क्या पहन के आ रही है तेरी पार्टनर, कैसी दिखती है. अब उनको मैं क्या जवाब दूं, ये तो मुझे भी नहीं पता. सब एक एक करके अपनी बॉय पार्टनर रिसीव कर रहे हैं, उधर से लड़कियां कम हो रही, उधर से लड़के कम हो रहे हैं, और मैं यही सोच रहा हूं कि भाई इसने काट दिया फालतू में मेरा. तभी एक आवाज आई दूर से, उसने मेरा नाम चिल्लाया. मैंने मुड़ के देखा तो बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की पीछे से हाथ को वेव कर रही थी. नाउ वहां से निकली एक लड़की मरून बॉडीकॉन ड्रेस में. भाई ये नाम मुझे भी बाद में पता चला था गूगल करके, जब मैं वापस रात में कमरे में पहुंचा था कि इसने पहना क्या था. तो मैंने गूगल किया तब मुझे पता चला कि इसको बॉडीकॉन ड्रेस बोलते हैं. तो बैक टू स्टोरी, तो वहां से निकली एक लड़की मरून बॉडीकॉन ड्रेस में, एंड ओ माय गॉड शी लुक्ड सो प्रेटी. She was wearing black heels and she walked towards me so gracefully कि क्या ही बताऊं. वो आई मेरे पास और बोली चलें. तो मेरा रिएक्शन था हाँ जी. अब भाई सारे मेरे कोर्समेट मुझे देख रहे हैं कि भाई ये है कौन लड़की, ठीक है इसको ये कहाँ रह गई, हमने तो कहीं देखी नहीं वहाँ पूरे देहरादून में. तो फाइनली हम पहुंचे मेस के सामने लॉन में, फिर कमांडेंट आए, उन्होंने ट्रेडिशनल गोल्डन बॉल रोल की और पार्टी हो गई शुरू. एंड
एनडीए में सीधी बात बता रहा हूँ, मेरी बॉल पार्टनर, मेरी क्या सबकी बॉल पार्टनर 10-15 मिनट नाच के साइड में बैठ गई थी, ठीक है, मतलब दे वर नॉट एबल टू मैच अस यार। बट भाई इस लॉन्डिया का एनर्जी लेवल ही अलग था, वी डांस्ड फॉर 2-3 आवर्स स्ट्रेट पसीने से लथपथ। एंड में हम दोनों थे और बस जैग वाली पार्टी थी जो नीचे नागिन डांस कर रही थी, बाकी सबके हाथ खड़े हो रखे थे और सब लड़कियां कुर्सी पकड़कर बैठ चुकी थी। फिर हुआ म्यूजिक बंद और डिनर के लिए इनवाइट कर दिया गया सबको कि भाई मेस में चलो। अब जब म्यूजिक बंद हुआ तो हम दोनों की सांस चढ़ रखी थी भयंकर, तो उसने फूली हुई सांस में मुझे बोला, देखा हील्स नहीं टूटी। तो मैंने भी सांस में सांस ली और बोला, देखा पैंट नहीं फटी। देन वी वर ऑल टेकन टू द मेस जहां हमने खाना वगैरह खाया, इट वॉज टाइम टू से गुड बाय। उसके बाद हमारी बातें होती रही, मतलब वी यूज टू टॉक टू ईच अदर ओकेजनली, कभी संडे सैटरडे फोन कर लिया, मतलब यार वाइब मैच हो रही थी हम दोनों की। और ये मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कुछ अलग थी यार ये, ठीक है। देन वी मेट ईच अदर अगेन आफ्टर 2 ईयर्स व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू मोमो, एंड ये दोनों बन गई इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। पहले मोमो अकेली बेइज्जती करती थी, ये अलग से बेइज्जती करती थी, पर अब दोनों सहेलियां मिलकर वीडियो कॉल पे एक साथ बेइज्जती करती हैं। नाउ शी इज गेटिंग मैरिड टू अ कोर्समेट ऑफ माइन आफ्टर डेटिंग हिम फॉर 3-4 ईयर्स। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई एम ए बॉल एंड हाउ आई मेड माई फर्स्ट गर्ल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो जल्दी ही मिलना होगा आपसे, प्लीज डू गिव सजेशंस अबाउट द टॉपिक्स यू वॉन्ट टू हेयर। एंड क्योंकि थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ा बोलने में क्या बोलते हैं वजन लग रहा है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू मेक लेंथी लॉन्ग वीडियोज, ठीक है। तो चलो टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा टेक केयर, बाय, जय हिंद।